तिलक जी थे वो बहुत क्रूर जातिवादी थे, वो महिला शिक्षा के सख्त विरोधी थे, क्योंकि वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि महिला पढ़े लिखे और आगे बढ़े। 1848 में फिरोजी ने अछूत बच्चों के लिए और 3 जुलाई 1857 को लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने उस पाठ्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पाठ्यक्रम महिला के लिए पढ़ाने की क्या जरूरत है। इस बात के विरोधी थे तिलक जी कि कोई भी महिला अपने पति को नहीं छोड़ सकती, चाहे वो किसी भी हालत में रहे। अगर रखमाबाई अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए। महिलाओं को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे चोर, व्यभिचारियों और हत्यारों को मिलती है। तेली तमोलियो कुर्मी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे? जो है महिलाएं हैं, चाहे किसी भी वर्ग की हो, उन पे जो प्रताड़ना की जाती है, उन पे जो अत्याचार किए जाते हैं, इसके बारे में ना तो कोई अखबार आवाज उठाता है ना ही कोई खबर को बताता है दोस्तों। इसलिए बाबा साहब ने मूक नायक अखबार स्टार्ट किया। जय भीम, नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं मीना मोहन मौर्य। दोस्तों आज मैं वीडियो बना रही हूँ और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करूँगी। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है दोस्तों, आज आने की 1 अगस्त को मानवर बाल गंगाधर तिलक जी का परिनिर्माण दिवस है दोस्तों, और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि जो तिलक जी के बारे में हमने पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या बाल गंगा तिलक जी को जो मान सम्मान दिया जा रहा है वो पर्याप्त है, या फिर उनको जो दिया गया है वो सम्मान उनके लिए तुच्छ है, या जो दिया गया है सम्मान वो उसके लायक है कि नहीं है। दोस्तों कुछ तथ्यों के बारे में मैं जानकारी बताऊंगी आपको और इसका निराकरण आप खुद करोगे कि जो मान सम्मान उनको दिया जा रहा है वो कहाँ तक उसके लायक हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था दोस्तों, और 1 अगस्त 1920 को उनका परिनिर्माण हो गया। दोस्तों ये हुई उनकी जन्म की बात, और मैं आपको बता दूं जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको सुझाऊंगी। दोस्तों मैं इस टाइम देख रही थी, मोबाइल में जानकारी ले रही, तो मैंने देखा कि आज 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी का परिनिर्माण दिवस है, तो मैंने सोचा उनके बारे में जानकारी ली जाए और देखा जाए कि आखिर उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। दोस्तों मैंने कुछ ऐसे तथ्य देखे जिनको मैं देखकर एकदम अचंभित हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति के बारे में इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ते आए हैं और जो मैं ये स्टाइम जो देखा है, मैंने पढ़ा है, वो सब क्यों नहीं बताया गया है। दोस्तों मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इस तरह से आपको बताऊंगी। सबसे एक पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ दोस्तों, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल है, उसमें एक अधिवेशन रखा गया था, जो मूक नायक अखबार था जो बाबा साहब द्वारा चलाया गया था, उसका उस अखबार के 100वीं वर्षगांठ के लिए अधिवेशन किया गया था आवाज़ इंडिया के द्वारा। वहाँ पर उस अधिवेशन में मैंने सुना कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनका जातिवादी चेहरा झलकता है कि वो कितने क्रूर जातिवादी थे। दोस्तों 21 जनवरी 1920 को मूक नायक अखबार शुरू किया गया था, उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को 9,500 रुपये का डोनेशन अखबार शुरू करने के लिए दिया था, जिसके लिए उन्होंने केसरी नामक अखबार था जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाया जाता था, उसमें विज्ञापन देने के लिए अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि तिलक जी आप मेरे अखबार का विज्ञापन छापिए, क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि जो उस टाइम इतनी जातिवाद की स्थिति इतनी भयानक थी
कि कुछ नहीं कह सकते। और बाबा साहब ने देखा कि जो शूद्र हैं, महिलाएं हैं, चाहे किसी भी वर्ग की हो, उन पे जो प्रताड़ना की जाती है, उन पे जो अत्याचार किए जाते हैं, इसके बारे में ना तो कोई अखबार आवाज़ उठाता है, ना ही कोई खबर को बताता है दोस्तों। इसलिए बाबा साहब ने मूक नायक अखबार स्टार्ट किया। और केसरी जो अखबार था, जो तिलक जी के द्वारा चलाया जाता था, उसमें विज्ञापन देने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन तिलक जी ने सब मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके अखबार का विज्ञापन अपने केसरी में नहीं छापूंगा दोस्तों। उसके बाद बाबा साहब ने हार नहीं मान ली दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो गोदरेज कंपनी है, उसका अपने अखबार के लिए मूक नायक के लिए उनको एड मिला, विज्ञापन मिला, जो उनके दोस्त थे नवल भटेरा जी, उनके सहयोग से गोदरेज कंपनी ने अपना विज्ञापन मूक नायक में दिया। और ये मूक नायक का प्रथम विज्ञापन था, और चूँकि ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अक्सर जो गोदरेज कंपनी थी अपना विज्ञापन केसरी में दिया करती थी, लेकिन केसरी को ना देते हुए जो मूक नायक था बाबा साहब का, उसको दिया। और दोस्तों यही आप देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने बाबा साहब के अखबार को भी रोकने की कोशिश की। और मैं कुछ और जो मुद्दे हैं मैं आपके सामने बताऊंगी दोस्तों। जो ज्योतिराव फुले जी थे, ज्योतिराव फुले जी, उन्होंने तिलक जी पर बहुत बड़े एहसान किए थे, बट उन्होंने एहसान तो छोड़ो, चुकाने की बात तो क्या, अपनी दोस्ती भी ना निभाई वो। इस तरह से जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल गए थे दोस्तों, तो ज्योतिराव फुले जी ने 10,000 रुपये जवानगत के लिए देकर उनको रिहा करवाया। लेकिन जब ज्योतिराव फुले जी का परिनिर्माण हुआ दोस्तों, तो उस टाइम केसरी में तिलक जी ने उनका नाम तक नहीं छापा, ना ही उनकी खबर छापी दोस्तों। इसी प्रकार जब 2006 में मानवर साहब कांसीराम का परिनिर्माण हुआ, निधन हुआ, उस टाइम किसी भी हिंदू अखबार ने उनके बारे में खबर नहीं छापी। सिर्फ एक आधी अखबार ने मात्र फ्रंट पेज पर मात्र उनका फोटो लगा दिया, बाकी कुछ नहीं छापा। इस तरह से जो हिंदू नेता थे, किस तरह से उनकी जातिवादी मानसिकता देखने को हमको मिली थी उस टाइम। और मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें मैं आपको तथ्यों के साथ में बताऊंगी दोस्तों, कहाँ से मैंने पढ़ा है और कैसे समझा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। एक जो मेन मुद्दा ये था दोस्तों, जो तिलक जी थे वो बहुत क्रूर जातिवादी थे। उनका मानना था कि जो भारत की नींव टिकी है वो जाति पर टिकी हुई है, और दोस्तों महिला शिक्षा के सख्त विरोधी थे वो लोग। जो तिलक जी थे वो महिला शिक्षा के सख्त विरोधी थे। जो महिला है आज उनको पूज रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उनको जान लेना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को पूज रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि महिला पढ़े लिखे और आगे बढ़े, क्योंकि वो इसके विरोध में जो हमारे ज्योतिराव फुले जी था, उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोला, तो इसके लिए इन्होंने ज्योतिराव फुले जी को देशद्रोही तक कह दिया दोस्तों। और देशद्रोही क्यों किया, कैसे कहा, मैं ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया तिलक जी का मानना था कि भारत का जो पूरा जो व्यवस्था है वो जाति पर टिकी हुई है, और हमारे बहुजन महापुरुषों ने जाति का विरोध किया, इसलिए उनको देशद्रोही कहा गया और राष्ट्रद्रोही कि इनको इस तरह से बोलने लगे, क्योंकि फुले जी का मानना था कि शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए और सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन तिलक जी का कहना था कि इतिहास, गणित, भूगोल, ये जैसे और विज्ञान जैसी विषय को शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ये तो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए है। ये जो बात है ये आपको मराठा अखबार थावनी का, उसी में पेज नंबर 2 से 2 या 3 में लिखी हुई है दोस्तों।
और तिलक जी ने महार मातंग जैसी जातियों को स्कूल में जाने से मतलब जाने के लिए उनको वर्जित कहा कि वो स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते, स्कूली शिक्षा उनके लिए नहीं है। तो अब बस देखिए दोस्तों किस तरह से उनकी जातिवादी मानसिकता हम सबके सामने मैं आपको बताऊंगी और आपको खुद समझना है, सोचना है कि आखिर में जिस व्यक्ति को हम पूज रहे हैं वो कितने सही थे, किसे इससे मान सम्मान के लायक थे कि नहीं। और ज़रा देखिए जो दोस्तों जो के उस टाइम जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम तो जो हमारे ज्योतिराव फुले थे जो ब्रिटिश शासन से मांग कर रहे थे, उनसे संघर्ष करते हुए कह रहे थे कि हमारे जो किसान भाई ये कुर्मी वगैरह है उनको उनके उनसे जो कर लिया जाता है उसमें कुछ कटौती की जाए। लेकिन जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे वो इस बात का भी विरोध कर रहे थे फुले जी का, जब वो ये मांग कर रहे थे फुले जी कि किसानों के पे जो कर लगाया है उस पर कटौती की जाए। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं 1848 में फुलौजी ने अछूत बच्चों के लिए और 3 जुलाई 1857 को लड़कियों के लिए विद्यालय खोला दोस्तों पुणे, और साथ में पुणे में लड़कियों के लिए कुछ विद्यालय खोले गए। जो रहाड़े जी थे उन्होंने स्कूल में जो पाठ्यक्रम तैयार किया था उसमें ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया था जिसको पढ़ कर के आगे महिलाएं बहुत उच्च पदों पर जाती और काफ़ी प्रोग्रेस कर सकती थी। लेकिन जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने उस पाठ्यक्रम का विरोध किया, उन्होंने कहा कि ऐसा पाठ्यक्रम महिला के लिए पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उनको सिर्फ ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करो उनके लिए जो घर गृहस्थी से संबंधित हो और बच्चों की परवरिश से संबंधित हो, उनको इस तरह का पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो तिलक जी थे वो महिला के लिए अंग्रेजी शिक्षा के सख्त विरोधी थे। उनका मानना था दोस्तों कि अगर महिला को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, उनको वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाए तो वो जो अपने स्त्रीत्व धर्मता उसको अच्छे से नहीं निभा पाएंगी और अंग्रेजी शिक्षा पाने के बाद वो मतलब अपना सांसारिक जीवन अच्छे से नहीं जी पाएंगी, इस तरह से उनका कहना था। तो दोस्तों ये जो मत बात है जो मैंने आपको बताई थी कि तिलक जी ने लिखा है कि अंग्रेजी शिक्षा महिलाओं को स्त्रीत्व से वंचित करती है, इसे हासिल करने के बाद वे सुखी सांसारिक जीवन नहीं जी सकती, ये 4 लाइनें उन्होंने अपने द मराठा जो अखबार था उसके 28 सितंबर के पृष्ठ में लिखा हुआ है। 28 सितंबर का जो अखबार था द मराठा 1884 में ये लाइनें दी गई है। अगर किसी भाई को मुझसे परहेज है, किसी से दिक्कत है मेरी बातों से तो ये आप देख सकते हो। ये जो बात है जो तिलक जी ने लिखी है कि अंग्रेजी शिक्षा महिलाओं को स्त्रीत्व से वंचित करती है, इसे हासिल करने के बाद वे सुखी सांसारिक जीवन नहीं जी सकती दोस्तों, इस तरह की ये लाइनें 4 लाइनें उन्होंने द मराठा 28 सितंबर को लिखी है। तिलक ने रहाड़े को पाठ्यक्रम बदलने के लिए दबाव डाला कि आपने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसको चेंज करिए, ये महिलाओं के लायक नहीं है, ये इस तरह का प्रोग्रेसिव पाठ्यक्रम महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और दोस्तों जो हिंदू महिलाएं उच्च वर्ग की उनको अपना आत्मगौरव शर्म समझती हैं, मैं उनके लिए भी कुछ बताऊंगी इस तरह से दोस्तों रकमाबाई जो उस टाइम जो हिंदू महिला थी रकमाबाई उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था, क्योंकि उनके वो इसलिए छोड़ दिया, उनका पति बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे, बहुत मारपीट करते थे उनकी, तो उन्होंने उनके पति को छोड़ दिया। लेकिन इस बात के विरोधी थे तिलक जी कि कोई भी महिला अपने पति को नहीं छोड़ सकती चाहे वो किसी भी हालत में रहे, क्योंकि ये सभी हिंदुओं पे एक तरह से वो उनका मानना था कि ये तो हिंदू की बेइज्जती का सवाल है।
महिला को इतना अधिकार कैसे कि वो अपने परेशानियों को बताए और उसको किसी भी हाल में जीना है, चाहे उसका पति किसी भी कंडीशन में रखे उसको वहीं रहना है। तो इस विरोध में उन्होंने जो रकमा बाई के पति थे, बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे, दादाजी बीका जी, उनका बहुत ही कट्टरता से साथ दिया, बहुत अच्छे से पूरी तरह से साथ दिया। और दोस्तों इसलिए उन जो रकमा बाई थी उनके विरोध में उन्होंने इस तरह से लिखा, जो केसरी अखबार था उसमें लिखा था, अगर रकमा बाई अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए। वे जोर देते रहे कि रकमा बाई और सरस्वती बाई और पंडिता रमा बाई जैसी महिलाओं को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे चोर व्यभिचारियों और हत्यारों को मिलती है। दोस्तों ये जो लाइन है मैं फिर से सुनाऊंगी आपको, ये केसरी में लिखा है कि अगर रकमा बाई अपने पति को छोड़ती है, उनके साथ रहने से इनकार करती है तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए। और दोस्तों ये दो महिलाएं और है जो हिंदू महिलाएं हैं, मैं उनके नाम बता रही हूँ, ये सरस्वती बाई और पंडिता रमा बाई। दोस्तों इनके बारे में भी कहा है कि इन महिलाओं को वैसे ही सजा तीनों को मिलना चाहिए जैसे एक चोर व्यभिचारी और हत्यारों को सजा मिलती है। ये मराठा के 12 जून का जो अखबार था 1857 में, 12 जून के मराठा अखबार में ये लाइनें लिखी गई है दोस्तों। और दोस्तों जो रकमा बाई थी एक पढ़ी लिखी महिला थी, वो अपने पति के अत्याचारों को नहीं सहन कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों उस टाइम जब इन तीनों महिलाओं ने इस तरह का कदम उठाया दोस्तों, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो पूरे हिंदू समाज को लगा ये तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, कोई महिला इतनी आवाज़ कैसे उठा सकती है, उसको तो पुरुषों की पैर की जूती के नीचे ही रहना है। दोस्तों उन्होंने कहा हमें एक औसत हिंदू को, मतलब हिंदू की जो लड़कियां हैं उनके बारे में कहा, जो तिलक जी है उन्होंने कहा हमें एक औसत हिंदू लड़की को बहू के तौर पर देखना चाहिए, मतलब हिंदू लड़की को एक बहू के तौर पर देखना चाहिए, जिनका अपने पति के घर के लोगों के प्रति खास कर्तव्य हो। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों के जो पाठ्यक्रम का खाना बनाने, जो यूनिवर्सिटियों का मतलब पाठ्यक्रम है उसको खाना बनाने तक अर्थशास्त्र और बच्चों की देख रेख जैसे विषयों तक सीमित रखा जाना चाहिए। इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट, उनका जो मराठा नामक अखबार था ये 27 फरवरी 1916 को छापा गया। उन्होंने केसरी और मराठा नामक अखबार में महिलाओं के शिक्षा का घोर विरोध किया और साथ में जो शूद्र थे, ओबीसी वर्ग के लोग थे, उनके लिए भी शिक्षा वर्जित कही। और दोस्तों जो किसान कारीगर और नीच जात के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति में आना मना है। 1980 में जब इन जातियों ने स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग की, सन 1980 में अब किसान कारीगर और कुर्मी वगैरह ओबीसी वर्ग एससी वर्ग के लोगों ने अपना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व चुनने की जब मांग की दोस्तों, तो ये सब देख करके तिलक जी ने सोलापुर की एक सभा में कहा, दोस्तों सोलापुर में उनकी एक सभा हुई जिसमें उन्होंने, देखिए किस तरह से बोला है, उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनना, तेली तमोली कुनबी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे, क्या कहा, तेली तमोली और कुर्मी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे, हम उनके इन विचारों का विरोध करते हैं। अब जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, जो भी बातें आपको बताई दोस्तों, तथ्यों के साथ में बताइए, अगर किसी भी भाई को ऐसा लगता है किसी की भी भावनाओं को
ठेस पहुंचती हैं, किसी की भावनाएं आहत होती हैं दोस्तों, तो हर स्टेटमेंट का मैंने सोर्स बताया है, मैंने कहां से पढ़ा है, आप भी वहां से देख सकते हो, जान सकते हो दोस्तों। और मैं आपको बताती हूँ, गो तिलक जी थे घोर जातिवादी व्यक्ति थे, और मैं तो ये तक कहती हूँ किसी भी महिला को, किसी भी वर्ग की महिला को, मुझे नहीं लगता उनका मान सम्मान करना चाहिए जिस तरह का मैंने पढ़ा है, क्योंकि जो जो मैंने तथ्य रखे हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं, वहीं से रखे हैं दोस्तों। और SC OBC ये पिछड़ों और महिलाओं के लिए के हक अधिकार के सख्त विरोधी थे, इसलिए दोस्तों मैं आज ये बता रही हूँ आपको, जो इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो कितना गलत पढ़ाया जाता है। इतिहास में 90% बातें झूठी हैं, जो नायक है उसको खलनायक बनाया गया है, और खलनायक है उसको नायक बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, और जय भीम। आप लोग इस पर अपने सुझाव दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट कर मुझे बताइए कि तिलक जी को जो सम्मान मिला है वो इसके लायक है कि नहीं। धन्यवाद।